अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज ग्रेड वन। क्लास वन की ये बुक है जिसमें हम सबसे पहले कंटेंट्स देखेंगे, नाज़रा कुरान मजीद, आवर बिलीव्स, माई सेल्फ, माई बॉडी, कीपिंग आवर सेल्फ्स क्लीन, माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, गेम्स एंड रूल्स, व्हाट आई वांट टू बी, प्रॉफिट्स अलैहिस्सलाम, नेबरहुड, Our country Pakistan, school, prayer, parks, playgrounds, getting around, transportation, traffic rules, good manners and habits, holy books, things around us, plants and animals, earth and sky, objects in the sky। तो सबसे पहले बच्चों हमने चैप्टर वन पढ़ना है जो कि है नाज़रा कुरान मजीद। नाज़रा कुरान मजीद का क्या मतलब होता है कि आप अपने अल्फाजों को, तलफ़ुज़ को अपने सही करें। कौन से तलफ़ुज़ को? कुरान मजीद पढ़ने के तलफ़ुज़ को सही करें, क्योंकि ये एक बहुत प्यारी किताब है। हमारे पास कुरान मजीद एक बहुत प्यारी किताब है हम मुसलमानों के लिए, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का बताया गया है, जिसमें हर मसले का हल मौजूद है, जिसमें तमाम चीज़ों से हमें रिलेटेड हल मिल जाते हैं, जिसको अगर हम अच्छे से सोच के समझ के पढ़ें तो बहुत अच्छे से हमें हिकमत मिल सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है चैप्टर नंबर टू में, आवर बिलीव्स ओनली फॉर मुस्लिम्स। आवर बिलीव्स मतलब हमारे अकायद, मींस के हमारा अकीदा क्या है, हम किस चीज़ पे यकीन रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अल्लाह ताला इज़ वन। हम अब पढ़ते हैं अल्लाह ताला इज़ वन, अल्लाह ताला एक हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं बच्चों कि अल्लाह ताला तो एक हैं। ठीक है, ये बात हम सब जानते हैं ना छोटे बच्चों कि अल्लाह ताला एक हैं। अल्लाह ताला इज़ आवर क्रिएटर, अल्लाह ताला हमारा खालिक है। खालिक कौन होता है? जो हर चीज़ पर जो है, जो हर चीज़ को बनाने वाला होता है, जो हर चीज़ को तख्लीक करने वाला होता है, तो वो होता है खालिक। तो अल्लाह ताला जो हैं वो हमारे खालिक हैं। सही है, हमारे खालिक कौन हैं? अल्लाह ताला। क्योंकि हम दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला ने बनाई हैं। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे लाइन है, अल्लाह ताला हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग। क्रिएटेड मतलब कि किसी चीज़ को बनाना। सही है, एवरीथिंग मतलब चीज़ें, क्रिएटेड मतलब बनाना। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई है। देन अब हम चलते हैं पेज नंबर सिक्स पे। पेज नंबर सिक्स पे क्या लिखा हुआ है? अल्लाह ताला हैज़ क्रिएटेड द सन, अल्लाह ताला ने सूरज बनाया। ठीक है, सन किसको कहते हैं? सूरज को। द अल्लाह ताला हैज़ क्रिएटेड द सन, अल्लाह ताला ने सूरज को बनाया। द मून, अल्लाह ताला ने चाँद को बनाया, मून कहते हैं चाँद को। एंड द स्टार्स, अल्लाह ताला ने तारों को बनाया। ठीक है, अल्लाह ताला ने क्या बनाया? सूरज, चांद और सितारे। अल्लाह ताला हैज़ क्रिएटेड द अर्थ एंड द स्काई, अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान बनाया। अल्लाह ताला हैज़ क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ह्यूमन बींग्स किसको कहते हैं? इंसानों को। एनिमल्स किसको कहते हैं? जानवरों को। और प्लांट्स किसको कहते हैं? पौधों को। अल्लाह ताला ने इंसानों को भी बनाया, जानवरों को भी बनाया, और पौधे भी अल्लाह ने बनाए। ये आप देखते हैं ना, जैसे आप हर जगह देखें, दरख्त देखें, पौधे देखें, फूल देखें, वो सब अल्लाह ने बनाए। ठीक है, वो सब अल्लाह ने बनाए। और आप जितने भी एनिमल्स देखते हैं, कोई भी एनिमल हो गया, काउ हो गई, गोट हो गया, या फिर आपके पास बुफेलो हो गई, स्नेक हो गया, ये सब चीज़ें, ये सब अल्लाह ने बनाई हैं। सब चीज़ें अल्लाह ने तख्लीक की हैं। अल्लाह ताला हैज़ क्रिएटेड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, अल्लाह ताला ने फूल और फल भी बनाए।
फूल कौन से फूल, ये जितने भी फूल होते हैं हमारे पास, जितने भी फूल होते हैं ना, हम देखते हैं कभी कोई पिंक फूल है, कोई येलो फूल है, या कोई ग्रीन कलर, वो कोई ब्लू फूल है, या कोई सा भी फूल होता है। फ्रूट्स जितने भी फल हैं वो अल्लाह ने बनाए हैं, जितने भी फल हैं जो हम खाते हैं फ्रूट्स डेली, एप्पल, बनाना या कोई से भी फ्रूट हो, वो सब अल्लाह ने बनाए। देन स्टार्ट कलमा तैयबा। कलमा तैयबा क्या हो, कौन सा होता है? पहला कलमा आपके पेरेंट्स या आपके बहन भाई या आपके टीचर्स आपको क्या पढ़ाते हैं बेटा? कलमा तैयबा। कलमा तैयबा कौन सा होता है? पहला कलमा जिसमें हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, कलमा तैयबा को हम इस तरह से पढ़ते हैं। अब इसके मायने क्या हैं? देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। मैसेंजर किसको कहते हैं? जो पैगाम देने वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उर्दू में तर्जुमा भी दिया हुआ है बच्चों, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला के रसूल हैं। सो बच्चों आज हम ये पेज नंबर 6 तक पढ़ते हैं, कल इंशाल्लाह हम इसका पेज नंबर 7 पढ़ेंगे। आपको अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।